पंजाब और केपी के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध। M11 मुरीद के इंटरचेंज, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद, M3 लाहौर से समंदरी और फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया, M1 पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए बंद, जबकि कौमी शाहराह पर भी हद निगाह सिफर हो गई, सफर में मुश्किलात। लाहौर शहर और गिरदोनवा में धुंध के डेरे, फ्लाइट ऑपरेशन और रेलवे शेड्यूल भी मुतासर। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, लाहौर में यकबस्ता हवाएं, पारा 4 डिग्री तक गिर गया। कल से लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई, ज़ियारत में पारा -4 तक गिर गया। कराची के इलाके जमान टाउन में 17 एकड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम, पुलिस ने कब्जा माफिया के 8 कारिंदों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लैंड माफिया का सरगना मौके से फरार, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिमान ने दिन दिहाड़े कोरंगी क्रैक की जमीन पर कब्जा शुरू किया और धमकियां दी। मुकदमे में नामजद मुलजिम कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कब्जे करते हैं। गिरफ्तार मुलजिमान पे कामरान, आबिद, नौमान, सुभान, रिजवान, नवीद और गुलाम शामिल। गिरफ्तार लैंड माफिया के कारिंदे मासी में ख्वाजा अजमेर नगरी से भी गिरफ्तार हो चुके हैं। सेनेट से मंजूर करारदाद इलेक्शन पर हमला करार, आम इंतखाबात मुकर्रा वक्त पर कराने की जवाबी करारदाद सेनेट में जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया, सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं, इलेक्शन का इनेकाद आइनी तकाजा है। मुकर्रा वक्त पर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला आ चुका है, 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जा चुकी। सेनेटर मुश्ताक ने सेनेट से मंजूर करारदाद को जमहूरियत पर हमला करार दिया, कहा सेनेट से चोर दरवाजे से करारदाद मंजूर की गई, ऐवान बाला की बेतौकीरी की गई, उसके चेहरे पर स्याही मल दी गई। आइन के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर नहीं हो सकती, करारदाद काबिले मुसम्मत है। बरे सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक्वामे मुताहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे, इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फैज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे, तो मेरा ख्याल में हम सब जस्टिस फैज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। सेनेट छोड़कर अक्वामे मुत्तहिदा OIC से करारदाद पास करा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार, लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ जस्टिस ने कह दिया 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, अवाम हमारे साथ हैं, हम 8 फरवरी को जीतेंगे। 2013 में इससे भी ज्यादा उम्मीदवार ना अहल हुए थे। ये भी कहा लाहौर हमारा है, तासुर दिया जाता है लाहौर में दूध और शहद की नहरें बहती हैं, लाहौर में जितना काम करने की जरूरत है बाकी पाकिस्तान में इतनी जरूरत नहीं। मासिम यामरों ने पंजाब में सियासी जमातें मुसल्लत की। चेयरमैन सेनेट और अराकीन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, इलेक्शन इल्तवा की करारदाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, करारदाद मंजूर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया। सेनेट से पास करारदाद तौहीन अदालत के जुमरे में आती है, मंजूर करदा करारदाद को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो, जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिस पे हमारा मौका भी आ चुका है कि उसकी कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बरवक्त होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हमें भी ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से सेनेट करारदाद पर नोटिस लेने की अपील, बैरिस्टर गौहर कहते हैं सेनेट करारदाद की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं, हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं, उम्मीद है इलेक्शन वक्त पर होंगे,
फिलहाल किसी जमात से इत्तेहाद नहीं, एक आध सीट पर एडजस्टमेंट हुई तो वो हमारे निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे, किसी से कोई झगड़ा नहीं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अदलिया और चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद है, मेरे अलावा किसी के बयान को पार्टी बयानिया न समझा जाए। पीटीआई के मुतअद्दिद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत, आरओस के फैसले फारिग, असद कैसर, तैमूर झगड़ा, बिशारत राजा और दीगर कागजात मंजूर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले सुना दिए। पेशावर से तैमूर सलीम झगड़ा, असद कैसर और शेर अली अलबाब की अपीलें मंजूर। पीटीआई हंगू के सफर यूसुफ खान को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया, जमशेद दस्ती और सरताज कुल के कागजात भी दुरुस्त करार। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत, सिंध से पीटीआई के सुभान साहिल, अमजद आफरीदी समेत दीगर की अपीलें मंजूर। कराची से पीटीआई उम्मीदवारों को क्लियरेंस मिल गई, मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। पीपीएससी सरगोधा से मरियम के कागजात क्लियर, एनए 132 से शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज, नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। बानी पीटीआई की मियांवाली के हल्के से अपील सुबह सुनी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी पर इंतखाबात के दरवाजे बंद, कागजात नामजदगी मुस्तरद, ट्रिब्यूनल ने आरओस के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत, एनए 150 और 51 से कागजात मंजूर। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी की अपील मंजूर, फवाद चौधरी के कागजात दोबारा मुस्तरद। ना अहली की तलवार लटकने लगी, अहलिया हिबा चौधरी के कागजात पर एतराजात दुरुस्त करार। जेहलम के सूबाई हल्के से ना अहल करार, पीटीआई के खुरमशेर जमान की अपीलें भी मंजूर। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का ख्वाब 29 साल बाद भी अधूरा, पाकिस्तान व्हाइट वॉश हो गया, तीसरे टेस्ट मैच में भी बदतरीन शिकस्त, पहले फ्लॉप बैटिंग फिर पायूस्कुन फील्डिंग से हार पर मोहर लगाई। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ चौथे दिन 25.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। पूरी पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर ढेर, 29 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस मैन ऑफ दी सीरीज करार पाए। ऑलराउंडर आमिर जमाल को मैन ऑफ दी मैच का अवार्ड दिया गया। तीनों टेस्ट चार चार दिन ही चले, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी टीम को हर शोबे में आउट क्लास किया। फसली बटेरों को इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त होगी, शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी पुरअज़्म, कहा अवामी ताकत से 8 फरवरी को कामयाबी हासिल करेंगे, पार्लियामेंट की मजबूती में ही जमहूरियत की फतह है, बतौर सदर तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, अवामी राज की बुनियाद रखी, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करके आवाम को खुशहाल बनाएंगे। और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए, ये पाकिस्तान की जरूरत है, ये पाकिस्तान की आवाम की जरूरत है। पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाईकोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए, कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया, उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपना फैसला सुना दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन रोकने के लिए पहले हाईकोर्ट गए, अब करारदाद की हिमायत की, ऐसे लोगों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब मुल्क 9 मई वालों के बजाय 28 मई वालों के हाथ आएगा, 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पार्टी चेयरमैनशिप से क्यों हटाया, बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाईकोर्ट का 6 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, मौकिफ अपनाया, फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना करने पर तौहीन अदालत का मामला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी, कहा
कागजात नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत की गई। इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब जमा करा दिया। £190 मिलियन रेफरेंस में 6 शरीक मुलजिमान इश्तिहारी करार। शरीक मुलजिमान से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। एहतसाब अदालत की डियाला जेल में समाअत। दोशाखाना रेफरेंस में मुलजिमान पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की जमानतों पर भी समाअत 8 जनवरी को होगी। बानी पीटीआई के बेटों से फोन पर बात कराने की दरख्वास्त मंजूर। जरूरी नहीं हर कोई अदालती फैसले से इत्तफाक करे, लेकिन इंसाफ होता नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तमाम फरीकैन के साथ मसावी सलूक करें। केसेस की बराह रास्त समाअत से निजाम इंसाफ में मजीद शफाफियत आएगी। इंसाफ से मुतालिक आम लोगों में अतमाद बहाल करना जरूरी है। अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। इख्तलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम जरूरी है। जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस। पीपल्स पार्टी ने 108 सफात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मुख्तलिफ किताबों के हवाले दिए गए। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच 8 जनवरी को केस सुनेगा। नौमे वाकयात की एक और वीडियो सामने आ गई। फैसलाबाद में हसास इदारे के बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर हमला किया गया। सियासी जमात के कारकुनान को इमारत पर चढ़ते देखा जा सकता है। हजूम में शामिल खातून कारकुनान को मुश्तिल करती रही। नौमई वाकयात की तहकीकात के लिए निगरान वजीर आजम ने काबीना कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वाकयात का जायजा लेगी, रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। 4 रुकनी कमेटी के कन्वीनियर वजीर कानून होंगे। लाहौर के इलाके मनावा में खानदानी झगड़े पर इमाम मस्जिद कत्ल। मकतूल की शनाख्त कारी अली रजा के नाम से हुई। बरादर निस्बती ने फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गया। वारदात के फुटेज सामने आ गए। गजा जिंदा जहन्नुम और कब्रिस्तान में तब्दील। इसराइल की बदतरीन बमबारी, मजीद 120 फलस्तीनी शहीद। अक्वामे मुत्तहिदा ने गजा को नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया। वहशियाना कार्रवाइयों को 90 दिन मुकम्मल। 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया गया। फलस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बरतानिया में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। लंदन में यूके पार्लियामेंट के बाहर सड़क ब्लॉक कर दी। पाकिस्तान और यूएई में दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। निगरान वज़ीर तिजारत सनद गौहर एजाज की यूएई के वज़ीर तिजारत से मुलाकात। गौहर एजाज ने कहा, यूएई के सरमायाकारों को आसानियां फराहम की जाएंगी। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए तरजीही अहदाफ मुकर्रर किए जा रहे हैं। निगरान वजीर आला पंजाब ने ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर में रजिस्ट्री ने काम शुरू कर दिया। ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर में पंजाब की ब्रांच भी कायम कर दी। अब तक 2,21,000 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। अमरीकियों ने हथियारों से ज्यादा जामियात बनाई। मैंने क्लासेस से ज्यादा क्लासेस के बाहर सीखा। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह का कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, जिंदगी के साथ अपने मुआशरे के साथ जुड़े रहो। कोई चीज़ तुम्हारी तरक्की के रास्ते में नहीं आ सकती।